देखिए, कार हो, बस हो या फिर ट्रक हो, अगर उसे पीछे की ओर ले जाना होता है तो आसानी से रिवर्स गियर डालते हैं और पीछे ले जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर ट्रेन को भी रिवर्स गियर डालकर पीछे ले जाया जाता है। तो अब सवाल यह है कि इतने बड़े एरोप्लेन को अगर पीछे ले जाना हो तो कैसे ले जाते होंगे, क्योंकि हवाई जहाज में तो रिवर्स गियर होते ही नहीं है। बताऊंगा आपको उससे पहले, ऐसे ही और नॉलेजफुल शॉर्ट्स के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि हवाई जहाज में रिवर्स गियर नहीं होता, पर हाँ एक ऑप्शन जरूर होता है जिससे हवाई जहाज के आगे बढ़ने के लिए जो थ्रस्ट निकलता है उसकी डायरेक्शन को पलटकर हवाई जहाज को रिवर्स में ले जाया जा सकता है। पर हवाई जहाज की सुरक्षा के लिए ऐसा कभी नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसा करने से जहाज का पूरा इंजन ही खराब हो सकता है। और इसलिए पूरी दुनिया में हवाई जहाज को रिवर्स करने के लिए कोई और तरीका अपनाया जाता है, और वो ये है कि हवाई जहाज को पीछे खींचकर ले जाया जाता है। और जिन ट्रैक्टर या ट्रक से इसे खींचकर पीछे ले जाते हैं उसको पुश बैक ट्रैक्टर या फिर टोइंग ट्रक भी कहते हैं। वैसे कितने लोगों को ये बात पहले से ही पता थी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।